नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिया चौधरी और मैं आज आपको शिव पुराण के महात्मय के दूसरे अध्याय का सार देने वाली हूँ। मैं हमेशा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को वीडियोस अपलोड करती हूँ सुबह 9 बजे। तो अगर आप देखना चाहते हैं शिव महापुराण तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम शुरू करते हैं दूसरे अध्याय को। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पापनाशिनी मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताई और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, छल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाला है, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यवहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी है, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मांड के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कली काल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शट है और अत्यंत दूषित विचार वाले है, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कली काल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों का ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहाने से मार कर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा ही धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वैश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाना तथा उस वैश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्या को दे दिया। वह पापी अपध्यक्ष भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घमाता वह देव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए।
इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कपूर समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर का शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बराबर धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिव दूत कैलाश जाने को उद्यत हुए उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रोद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत ज्ञान जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रारित होकर वे शिव दूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांप शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन गए। भगवान सदा शिव के परम धाम को वैद्य सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यगामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तक्षण मुक्त हो गया। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्मये देवराज मुक्ति वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्मय देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।